स्तर पर महास्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें शहर के सामाजिक संस्था के अलावा विभागीय कर्मचारियों और आला अधिकारियों ने भी भाग लिया है। शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए लोगों ने स्वेच्छा से इसमें भाग लेते हुए कई टन कचरा प्लास्टिक इकट्ठा करी है। वहीं लोगों ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की शपथ भी ली है। वहीं एक कार्यक्रम पर नगर निगम में शहर में पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा काम करने सहित निबंध और स्वच्छता पर अलग अलग कार्य कर लोगों को प्रेरित करने वाले लोगों को सम्मान भी किया गया है और शहर को साफ सफाई रखने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी लोगों को शपथ दिलवाई गई है। वहीं इस मौके पर 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। स्वच्छ बाजार संघ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री हकीम खान जी को। ये तो कम्युनिटी अवेयरनेस की बात है, ये हम लोगों ने शहर के लोगों को ट्रिगरिंग करने के लिए है कि प्लास्टिक किस प्रकार से हमारे पूरे समस्ते के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है। और आज हम सब शपथ लेंगे कि इसका हम कतई उपयोग नहीं करेंगे, ना लोगों को करने देंगे ऐसे, ना हमारे शहर में ना हम स्वयं गंदगी करेंगे ना दूसरों को गंदगी करने देंगे। वृक्ष जो धरती माता की आभूषण है, सौंदर्य है, उसका लगातार हम संवर्धन करेंगे। पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो साहब हैं, वही एक ऐसे आदमी थे, ऐसे विजनरी थे जिन्होंने सोचा कि देश स्वच्छ होना चाहिए। तो वो स्वच्छता अभियान में हम सब कहते हैं कि हम सब मिलकर हाथ बटाएं और यहाँ पर हम लोग जो आए हैं अभी तो स्वच्छता हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यही बता रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग न किया जाए। हम सरकार खुद प्लास्टिक को बैन कर रही है, मगर हमने लोगों को जागरूक करना है कि भाई आपने प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर घर में जब बच्चा जागरूक होगा, ये बेटी जाएगी अपने घर में या अपने भाई बहनों को बताएगी, छोटे भाइयों को बताएगी, तो प्लास्टिक का बैन होगा।